जी, तो अगर आप गौर करें तो हमने यहाँ पर टाइम मालूम कर लिया, ठीक है जी। अब हमने मालूम करनी है हॉरिजॉन्टल रेंज या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है एक्स, जो के बराबर होता है वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब आपकी जो वेलोसिटी थी वो थी 83.3। याद रखना अक्सर बच्चे यहाँ पर 300 डाल देते हैं, तो 300 नहीं डालनी, 83 वाली डालनी। और टाइम आपका है 10, तो ये तकरीबन 8:30 बनेगा। 8:33 मीटर्स, ये आपका बेटा डिस्टेंस। ओके हो गया जी, यहां पर हमने डिस्टेंस मालूम कर ली। दो चीजें मालूम करनी थी, टाइम एंड डिस्टेंस, दोनों चीजें मालूम हो गई। किसी का कोई सवाल है तो पूछें, समझ आ गई है तो ओके करें जल्दी से, और स्क्रीनशॉट भी ले लें सारे। बाकी लोग भी जवाब दें। चलें जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। ओके जी, अब हम आगे चलते हैं, और अगला न्यूमेरिकल है जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 13। तो ये जो न्यूमेरिकल नंबर 13 है ना, इसके रिलेटेड मैंने आपको एक शॉर्ट भी करवाया था और एक एमसीक्यू भी करवाया था, तो ये आपको पहले से ही आना चाहिए, बड़ा आसान है। कहता है जी कि फॉर विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर सेम। यानी आपने ये बताना है कि किस एंगल थीटा पर रेंज और हाइट दोनों बराबर होती हैं। तो आपको याद है मैंने बताया था कि 76 डिग्री पर हाइट और रेंज बराबर होती हैं। लेकिन बहरहाल एक दफा दोबारा इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका बता देता हूँ। आप इस चीज को फिर दोबारा लिखें, रेंज बराबर हाइट, ठीक हो गया जी। चले, अब रेंज का जो फार्मूला है आपने यहाँ पर वो लिखना है। तो जो रेंज का फार्मूला होता है वो सबको पता है, रेंज का फार्मूला होता है जी वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। और हाइट का फार्मूला भी सबको पता है, हाइट का फार्मूला होता है जी वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय 2 जी। ये आपकी हाइट का फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब जरा फोकस कीजिएगा, यहाँ पर ये जो जी है ये इस जी से मर जाएगा, ये वी आई स्क्वेयर इस वी आई स्क्वेयर से मर जाएगा। अब बाकी चीजों को देखें, अब बाकी चीजों में रह कौन गया है, तो रह गया ये साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा को ध्यान से देखें, आप लोगों को पता है कि अगर किसी जगह साइन 2 थीटा आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है जी। उसका मतलब होता है इसकी जगह एक्चुअली लिखा है 2 sin थीटा cos थीटा, क्योंकि आपको पता है साइन 2 थीटा इसका फार्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा का। तो बस आपने यहाँ पर साइन 2 थीटा की जगह यही लिख देना है, 2 sin थीटा cos थीटा बराबर है साइन स्क्वेयर थीटा। अब आप क्या करें जी, ये साइन स्क्वेयर थीटा को 1 sin थीटा से मार दें। हाँ, ये साइन 2 थीटा के साइन स्क्वेयर थीटा के नीचे 2 रह गया था। अब आप क्या करें जी, ये जो 2 नीचे रह गया ना, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ला के इसको क्या करवा दें, मल्टीप्लाई 2 के साथ। तो जब ये वाला 2 उस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 4 cos थीटा बराबर साइन थीटा। अब आप क्या करें जी, ये जो cos थीटा है इसको उधर जाके डिवाइड करा दें, तो आपके पास आएगा 4 बराबर sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। तो ये सबको पता है, बड़ी बेसिक सी बात है कि जो फार्मूला है साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा।
ये एक्चुअली किसके बराबर होता है, ये होता है टेन थीटा के बराबर। तो आप इन साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड की जगह पर आप लिख देंगे टेन थीटा, बराबर में लिखेंगे 4 थीटा को इधर ही रहने दें, टेन इनवर्स को उधर ले जाएं 4। जब आप टेन इनवर्स ऑफ 4 करेंगे तो आपके पास थीटा आएगा जी 76 डिग्री। चलिए समझ आ गया न्यूमेरिकल नंबर 13। बड़ा आसान न्यूमेरिकल है, कोई मसला नहीं है इसमें। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी बता देता हूँ। आप लोगों को पता है हमने रेंज और हाइट का रिलेशनशिप निकाला था, रेंज बराबर थी 4 tan थीटा के। नहीं, रेंज और हाइट का आपस में रिलेशनशिप था 4h बराबर r tan थीटा, ये इनका आपस में रिलेशनशिप था। आप ये वाला रिलेशनशिप भी इस्तेमाल कर सकते, पहले मैंने आपको इसी रिलेशनशिप से करवाया था। ठीक हो गया जी, स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से। चलें जी, अब जरा देखें, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 15। चलें जी, तो न्यूमेरिकल नंबर 15, SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 3000 किलोमीटर। तो आपको जो डिस्टेंस है यहाँ पर, डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर रेंज है, और वो आपको दी गई है 3000 किलोमीटर। इसको मीटर में करने के लिए आप करेंगे जी 3000 × 10³ m। ठीक है जी। फिर कहता है जी, इफ द अर्थ इज कंसिडर्ड फ्लैट द एंगल ऑफ लॉन्च इज 45 डिग्री, एंगल थीटा उसने आपको दिया है 45 डिग्री। फाइंड द वेलोसिटी विद विच मिसाइल वाज फायर्ड एंड टाइम। तो आपने दो चीजें मालूम करनी है, नंबर वन आपने ये बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, और नंबर टू आपने ये बताना है टाइम क्या था। तो बड़ी सादा सी बात है, रेंज आपके पास मौजूद है, ये बिल्कुल न्यूमेरिकल नंबर 10 के जैसा है, न्यूमेरिकल नंबर 10 के जैसा है। ठीक है जी, तो न्यूमेरिकल नंबर 10 में आपने रेंज का फार्मूला लिखा था। रेंज का फार्मूला होता है जी Vi² sin 2 थीटा डिवाइड बाय जी। अब अगर आपने वी आई मालूम करना है तो आप ये जी जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर लाकर मल्टीप्लाई करा दें, और साइन 2 थीटा जो है ये वाला, ये चूंकि इधर मल्टीप्लाई आ रहा है इसको इधर लाकर क्या करा दें डिवाइड। तो आपके पास Vi² ये बनेगा जी r × g डिवाइड बाय sin 2 थीटा, और फिर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, तो आपके पास Vi² ये बनेगा जी √r g/sin 2 थीटा। Vi² नहीं होगा सॉरी, ये Vi होगा। चलिए बहरहाल देखिएगा, आप इसमें अपनी वैल्यूज को पुट करें, आपकी Vi की वैल्यू आ जाएगी। आर आपके पास है जी 3000 × 10³, जी की वैल्यू आप सबको पता है 10 होती है, डिवाइड करेंगे और sin 2 थीटा है 45 डिग्री, साथ इसका स्क्वायर रूट भी है। जब आप 3000 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3000 × 10³ आ जाता है, नीचे sin 2 को 45 से करेंगे तो 90 आएगा, और sin 90 क्या होता है 1, और ये आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो आपने 3000 × 10⁴ का अंडर रूट लेना है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी।
3000 इंटू 10 की पावर 4 का प्लीज अंडर रूट लें। फाइव फोर सेवन सेवन, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी आएगी 5477 मीटर पर सेकंड। लो जी, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, पहली चीज मालूम कर ली। दूसरी चीज हम हमने मालूम करनी है टाइम, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब हम मालूम करते हैं जी टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आप सबको पता है, 2 VI sin थीटा बाय जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है जी 2 VI sin थीटा, और उसको डिवाइड करना है आपने जी के साथ। नाउ टू इनिशियल वेलोसिटी आपकी है जी 3000 इंटू 10 की पावर 3 साइन 45 डिग्री है, और जी की वैल्यू आप 10 ले लें या 9.8 ले लें, मर्जी आपकी है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा जी 780 सेकेंड्स। अगर आप चाहें तो आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5.47 नहीं है बेटा, 5477 है, 3000 इंटू 10 की पावर 4 है। तो अगर आपने इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो आप 780 को 60 से डिवाइड कर दें। तो 780 को जब आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 13 मिनट्स। बुक में 5.42 बेटा किलोमीटर पर सेकंड में होगा ना, यूनिट में, यूनिट में किलोमीटर आ गया होगा। अभी देखें, ये आपका पॉइंट है 7 के लास्ट पर, तो 1 2 3 तीन जंप करवाए आप, तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी 5.4, और चूंकि आपने तीन जंप कराए हैं तो किलोमीटर पर सेकंड, तो आपका ये भी आंसर आ जाएगा। आप खुश हैं? चलें जी, स्क्रीनशॉट लें इसका। अब एक ही न्यूमेरिकल रह गया, दैट इज द न्यूमेरिकल नंबर 14। इसको भी जरा समझ लें, तवज्जो से समझने वाला है। कहता है जी कि प्रूव दैट फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय सेम अमाउंट। कहता है जी आप एक मेन एंगल समझ लें 45 डिग्री। अब आपने ये बताना है कि एक ऐसा एंगल जो 45 डिग्री से बराबर ही कम हो और बराबर ही ज्यादा हो। जैसे मैं कहता हूं जी एक एंगल है 40 डिग्री और एक एंगल है 50 डिग्री, तो आप मुझे बताएं कि ये 40 डिग्री वाला एंगल 45 से कितना कम है। तो 5 गुना कम है, 5 डिग्री कम है, और ये 50 डिग्री वाला एंगल 45 से कितना कम है, तो ये भी 5 कम है। तो आपने आपने साबित ये करना है कि इन दोनों एंगल पर जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, सेम। ठीक है जी, कहने का मतलब ये है कि अगर 45 डिग्री से एंगल 5 डिग्री बड़ा या 5 डिग्री छोटा हो, यानी बराबर बड़ा या बराबर छोटा हो, तो रेंज क्या आएगी, सेम। एक और मिसाल देख लेते हैं। 45 डिग्री हमारा मेन एंगल है। अब आप क्या करें जी, आप कहें जी कि लेट से एक एंगल है 30,